Hello students, welcome to CLPS online teaching classes. In today's lecture we are going to start chapter number 8, that is our wind, storms and cyclones. So in this chapter we are going to study about the wind, storms and cyclones, ki ye kaise aate hain aur ye kya reason hota hai in sab ke aane ke piche. So let's start. Rain, thunder, lightning, wind, storms, cyclones etc. are natural phenomena. Ye sare natural phenomena hain, natural processes hain that are periodically taking place, which take periodically place, okay? Periodically का मतलब है कि कुछ time intervals पर या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि अगर आप कभी देखेंगे जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिन सब चीज़ों पर यह डिपेंड करता है. ऑल राइट, सो दीज आर द फिनोमिना दैट पीरियडिकली टेक प्लेस इन नेचर. ये नेचर में टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक है? कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न भी फॉलो होता है. बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो होगा. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस फिनोमिना. इन सब फिनोमिना के बारे में हम पढ़ेंगे. बिफोर दिस वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फिनोमिना टू टेक प्लेस. जब तक एयर की कुछ चेंजेस नहीं होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ये सारे बदलाव लाती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एयर अराउंड अस, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एयर की जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए. देखिए यहाँ से, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. एयर एक मिक्सचर है जिसमें कलरलेस गैसेस हैं, जिनमें कोई कलर नहीं है. ऑर्डर मीन्स कि उनमें कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, स्मेल नहीं है उनमें. दे आर ऑर्डरलेस एंड दे आर टेस्टलेस. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. जो एटमोसफेयर आप वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है? ये एयर की वो लेयर है जिसने अर्थ को घेर रखा है. द लेयर ऑफ अर्थ विच इज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, सॉरी, द लेयर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. ये कह रहे हैं कि जो एयर है वो उतना प्रेशर एग्जर्ट करती है अर्थ के ऊपर जितना कि क्या होता है, एयर जो है वो उतना फोर्स लगा पा रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे. यहाँ पर अगर हम ये कहें सिंपल शब्दों में, तो प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. सो द एयर एग्जर्टिंग प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो हम यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि जो प्रेशर है, दैट इज़ द पर्टिकुलर फोर्स, पर्टिकुलर जो फोर्स है इसे मास डायरेक्टली, वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से सीधा सीधा हम ये कह देते हैं कि जो एयर है उसका वेट जितना एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया पे, जितनी वो फोर्स लगा पा रही है पर यूनिट एरिया पे, उतना वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. आगे देखें, यहाँ पर आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ओके, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सीधा सीधा बात है यहाँ पे, ये दो वर्ड हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एयर एक्सर्ट करती है, एयर लगाती है, ठीक है. कौन सी एयर? जो एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट है. द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय, विच इज़ अप्लाइड बाय द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विच आर गिवन बिलो. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं एयर की. फर्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर, कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो प्रेशर लगाती है. अगर आसपास एयर है, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रेशर है आपके आसपास, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. अगर आप एयर को हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगी. एक्सपेंड होने का मतलब है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी. देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर. और यहाँ पर आप एक और वर्ड देखते हो, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है देयर विल बी डिक्रीज इन द वॉल्यूम. ऑलराइट, सो एयर एक्सपेंड्स, there is increase in the volume of air when it is heated, all right, and it contracts, there is decrease in the volume of the air when it is cool, okay. जब उसको फ्रीज किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है एयर को, तो उस टाइम पर उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होगी? चेंज होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कम हो जाएगी. दीज आर द टू प्रॉपर्टीज वी हैव टू लर्न. कम टू द नेक्स्ट थिंग. फर्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज़ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे. एयर एग्जर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशन. दिस इज़ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. एयर जो है हर अलग सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, अलग तरीके से प्रेशर वहाँ पर देगी. कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा. इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस. ऑलराइट,
सम एग्जाम्पल्स टू शो दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर्स आर एज फॉलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो एग्जर्ट करती है प्रेशर, प्रेशर लगाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट है, इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर मान लीजिए कि हवा चल रही है, ठीक है, हवा इस साइड बह रही है, एयर की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, देर इज़ सम वन हु इज़ डूइंग द साइकिलिंग, कोई यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा है, तो ये अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए ईजी होगा, इट विल बी ईजी टू राइड द बाइसिकल। बट अगर क्या होगा, इसके अपोजिट हो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पहले ये चीज़ देख लीजिए, इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज द विंड, विंड का मतलब होता है मूविंग एयर। मूविंग एयर क्या कर रही है, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो आपको कम जोर लगाना पड़ रहा है, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, और आप इजीली उसको चला पा रहे हैं। लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो विंड की अलग होती है। यहाँ पर देखें, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इफ फाइंड ऑन द अदर हैंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर मान लीजिए अब डायरेक्शन ऑफ विंड ये है, ठीक है, यहाँ से जो ब्लोइंग एयर है वो इस तरफ है, और यहाँ से जो इंसान बाइसिकल बाइसिकल पे जा रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होगा, जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, जो वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है, उसका डायरेक्शन अलग, आपका डायरेक्शन अलग, तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप जो विंड है उसका प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है उसको आप फील कर पाएंगे बिकॉज यू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑल राइट। और इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, यू विल फील अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू मूव द बाइसिकल, ऑल राइट। सेकेंड पॉइंट देखें, सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू रो द सेम बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर आप क्या कर रहे हो, आप अगर बोट चला रहे हो, ठीक है, तो उसका जो चप्पू चलाना है वो ईजी होगा, अगर विंड भी इस साइड है और आप भी इसी साइड जाना चाह रहे हो, तो इट विल बी ईजी, इट विल बी ईजी बिकॉज एयर विल बी अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन यू, ठीक है। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, तो आपको वो सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से आपको हेल्प कर रही है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव इन द डायरेक्शन यू वॉन्टेड। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आपका बोट जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, मान लीजिए आपका बोट जो है, अब आपका बोट इस डायरेक्शन में आ रहा है और एयर का डायरेक्शन ये है, देयर विल बी अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ यू एंड द ब्लोइंग एयर, और उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील होगा बिकॉज द एयर विल बी अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन यू, यहाँ से फोर्स आ रही है, यहाँ पर प्रेशर आपका लग रहा है इस तरफ में, और आपको उसको ओवरकम करने के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सो देयर आर दीज एग्जाम्पल्स जिनसे हमें ये पता चल रहा है दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, ऑल राइट। यहाँ पर देखिए, द अबाव एग्जाम्पल शो दैट द मूविंग एयर और विंड एग्जर्ट्स फोर्स और प्रेशर। यहाँ पे ये फोर्स और प्रेशर इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज मैंने अभी भी बताया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो सिंस जो प्रेशर है और फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फोर्स की और प्रेशर की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो जो फोर्स है, जो डायरेक्शन फोर्स की और प्रेशर की रहेगी, वो सेम रहेगी, और इसी वजह से आप उस टाइम पे एक फोर्स फील कर रहे होंगे जो आपको अपोज कर रही होगी। इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड एयर इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो आप थोड़ी सी फोर्स फील करोगे जिसको आपको ओवरकम करके आगे की तरफ चलना पड़ेगा। सो दैट्स वॉट वी आर डिस्कसिंग हेयर, कि यहाँ पर हमें सिर्फ यही बात डिस्कस करनी थी कि जो एयर है वो क्या करती है, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। देयर इज़ एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को भी देखिए, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। फॉर दिस यू नीड सम थिंग्स, ठीक है, थिंग्स नीडेड आर अ टिन कैन, कॉक, अ ट्राइपॉड स्टैंड, अ बंसन बर्नर, अ कोल्ड वाटर एंड अ वायर गैस, ठीक है। फर्स्ट देखें, पॉर मग फुल ऑफ वाटर इन अ टिन कैन, हीट द वाटर इन द कैन बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर। आपको क्या करना है, पानी को एक टिन कैन में डालना है, ठीक है, उसमें आप जो वाटर पॉर कर लोगे उसके बाद आपको उसको बंसन बर्नर के ऊपर हीट करना है। यू हैव टू डू, इसके लिए आप इसको रखोगे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, जो ट्राइपॉड स्टैंड आपका एक्टिविटी में लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको उसे प्लेस करना है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम वायर गैस को लगाते हैं और उसके ऊपर चीज़ों को रखते हैं। सो आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट विल बी बॉयल द वाटर, आपको वाटर को बॉयल करना है। वैन द स्टीम कम्स आउट, जब इसमें से क्या निकलने लगे, स्टीम निकलने लगे, वाटर वेपर निकलने लगे, तो आपको क्या करना है, आपको हीटिंग रोक देनी है और इमिडिएटली उसका जो कैप है उसको स्क्रू कर देना है, आपको कैप लगा देना है। थर्ड पॉइंट इज देयर, रिमूव द कैन फ्रॉम द ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस इट इन द सिंक विद द हेल्प ऑफ अ थिक टॉवल, एक टॉवल से पकड़ के आप इसे सिंक में रख लेंगे। आफ्टर दैट पोर कोल्ड वाटर फ्रॉम अ टैप ऑन द हॉट टिन कैन, और उसके बाद आपको टैप से उस पर ठंडा पानी डालना है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी आपकी, ऑब्जर्वेशन ये रहेगी द टिन कैन गेट्स क्रश्ड,
आपका जो टीन कैन है वो क्रश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो टीन कैन था इसको बाहर की तरफ से, ठीक है, बाहर की तरफ से इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, किसी ने इसको बाहर की तरफ से तोड़ा है, इस तरीके से वो टूट जाएगा। रीजन क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग स्टीम इज फॉर्म, जब भी पानी गर्म होता है स्टीम बनती है, ठीक है। टीन कैन में आपने क्या किया, उस टीन कैन को बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या था, मान लीजिए आपका जो यहाँ पर पानी था इसमें यहाँ पर स्टीम बन रही थी, कैप लगी हुई थी, तो इतना आपका जो नीचे की साइड है दैट इज वाटर, और बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टीम है। ऑल राइट, ऐसी आपकी सिचुएशन है कैन की। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड, जो बाहर की एयर थी, ठीक है, जो बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर था वो, और जो अंदर की स्टीम का प्रेशर था वो सेम थे, तो इसकी जो शेप थी वो मेंटेन थी जब इसके अंदर क्या थी, स्टीम थी। ऑल राइट, और यहाँ पे आपकी एयर थी। आफ्टर दैट, सॉरी, यस, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अब आप जब सेकंड पॉइंट देखोगे तो आपने क्या किया, आपने जो, एक मिनट, यस, यहाँ पर देखें, ये आपकी जो सिचुएशन थी कैन की वो एक बार समझ लीजिए, ये टीन कैन था। ऑल राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो स्टीम का प्रेशर है ये हर जगह से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इट इज़ गेटिंग बैलेंस्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ऑल राइट, इस तरीके से आपको सेटअप दर्शाना है, ये आपका बर्नसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, दिस इज़ वायर गेस। ऑल राइट, आपने कैन के अंदर वाटर लिया हुआ है, यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में, यहाँ तक के सिचुएशन में अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर क्या हो रहे थे, बैलेंस हो रहे थे, देवर गेटिंग बैलेंस्ड, और इस सिचुएशन में जो टीम थी उसकी शेप मेंटेन थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट जैसे ही आपने नीचे यहाँ पे क्या जलाया चलाया नल चलाया और यहाँ पे पानी गिरा, उसके बाद क्या हुआ, जो अंदर की स्टीम थी, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई स्टीम जो है उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है, तो वाटर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया था, जब वाटर था उसको हीट किया था तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, जब हमने वाटर को हीट किया था वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, और जब हमने उस पर ठंडा पानी डाला तो ये क्या होगा, कंडेंस, ये कंडेंस होकर नीचे की तरफ बैठेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ पर स्टीम थी वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, खाली, वो वाला एरिया आपका खाली हो जाएगा, और क्योंकि ये वाला एरिया खाली हो गया, आपका जो यहाँ पर कैन था पहले उसमें सिचुएशन ऐसी थी, स्टीम यहाँ से प्रेशर लगा रही है, एयर यहाँ से प्रेशर लगा रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ से स्टीम जो थी वो गई, ठीक है, वो नीचे सेटल हो गई क्योंकि यहाँ से आपने ठंडा पानी डाला, तो ये वाला प्रेशर तो लग ही नहीं रहा, सारा प्रेशर यहाँ से लग गया और आपका जो टीम था वो क्रश हो गया, उसकी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई और वो टूट गया, ऐसे टूटा होगा जैसे लगे कि बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगी है, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एयर का जो प्रेशर था वो इस तरफ से ज़्यादा हो गया और यहाँ से जो प्रेशर था वो रिमूव हो गया, और यहाँ से हमें ये पता चलता है दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, और यही चीज़ हमें बतानी थी दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर।